नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिया की राजस्थानी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं खिले खिले वेज पुलाव। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली है, जिसके अंदर मैंने फूल गोभी लिया है, एक मैंने शिमला मिर्च लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, एक कटोरी मैंने ये मखाने लिए हैं, दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, एक कटोरी मैंने सोयाबीन, एक टमाटर, ये मैंने एक हरी मिर्च ली है, एक नींबू, एक मीडियम साइज़ का आलू, इसी के साथ ये मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं। सारी सब्जियों को मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। इधर गैस के ऊपर मैंने कुकर रख दिया है, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ एक बड़ा चम्मच घी। पुलाव घी के अंदर बनाने से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। इसके साथ मैंने दो डाल दिए हैं लौंग, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है, ये मैंने आधा छोटा चम्मच सौंफ डाल दिया है। तो देखिए सौंफ और जीरा है वो हमारा अच्छे से चटक गया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच राई। राई को भी हम अच्छी तरीके से चटकने तक पका लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हमारी अच्छे से पक्की है। इसके बाद मैं डालूंगी इस अंदर प्याज, इसी के साथ मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च, ये मैंने एक हरी मिर्च कट कर ली थी इसको भी डाल दिया है, गोभी, इसके साथ इसमें ऐड कर देती हूँ मैं आलू। तो देखिए सारी सब्जियों को मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है, अब अच्छे से दो तीन मिनट तक इनको फ्राई कर लेते हैं। एक पिंच इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, हल्दी हम इसमें थोड़ी ही यूज करेंगे, नहीं तो हमारे चावल है वो एकदम से येलो हो जाएंगे। तो सब्जियों को मैं मीडियम फ्लेम पर दो तीन मिनट तक अच्छे से पका लेती हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, और ये मैंने एक कटोरी ली है मखाने। मखाने बच्चों के लिए बहुत ही फायदा करता है। इसके साथ मैंने सोयाबीन ली है, आप इसके अंदर अपनी पसंद के अनुसार जो भी सब्जी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। तो सोयाबीन और मखाने हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही फायदा करता है। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके दो तीन मिनट तक और पका लेती हूँ। तो देखिए दो तीन मिनट पकाने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी दो गिलास पानी। पानी को मैं तब तक पकाऊंगी तब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाए। चावल को मैंने 10 मिनट के लिए पानी के अंदर अच्छे से धो के भिगो दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नींबू। नींबू डालने से हमारे चावल हैं वो एकदम से खिले खिले बनेंगे। इसके साथ मैं डाल रही हूँ नमक। नमक ये मैंने सेंधा नमक यूज किया, सेंधा नमक डालने से चावल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप इसकी जगह पर वाइट नमक भी यूज कर सकते हो। तो देखिए आप पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद ही हम इसके अंदर चावल डालेंगे। तो चावलों को मैंने अच्छे से कुकर के अंदर डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो देखिए चावलों को मैंने एक डेढ़ मिनट के लिए खुला पका लिया है, अब इसको हम ढक के तीन सीटी लगवाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। तो देखिए कुकर से तीन सीटी लग गई है, अब कुकर को हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए पुलाव है वो हमारे एकदम से खिले खिले बन गए हैं।
तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, चावल है वो हमारे एक भी चिपका नहीं बना है, एकदम से खिले खिले बने हैं। अब सारे चावलों को मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। तो देखिए सारे चावल को मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है। आप देख सकते हो चावल है वो हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।